गया ये जैकेट, तो मेरा मन करे मैं अब जैकेट ले लूं। ये सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, प्रो राइडर फीलिंग आ रही है गाइस। तो जैकेट दिखाते हैं, ऐसा ही ये जैकेट है, मेरे को अच्छा लगा इसमें। Hey guys, welcome back to the channel. कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आज मेरी दूसरी राइड है यार, जब से मेरी सर्जरी हुई है तब से आज मेरी दूसरी राइड है एंड काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ आज। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा काम करवाया था बाइक में, तो कुछ मेरे को प्रॉब्लम आ रही है टायर वगैरह में, अच्छे से पूरा फ्रीली घूम नहीं रहा है, और दो तीन चीज़ें वो सब आज कर लूँगा, और शायद आपको थोड़ी एक्स्ट्रा स्पीड आज देखने को मिले कम्पेयर टू मेरा लास्ट व्लॉग, क्योंकि आज थोड़ा जान आ गई है इस बाजू में हल्की फुल्की, बट स्टिल अभी बहुत दूर है रास्ता, सफ़र बहुत लंबा है जब तक ये पूरी अच्छी तरह अपने दम में आएगी वापस। डबल माइंड हो जाता हूँ यार गैप के वक्त, टाइम लगेगा। कमिंग बैक, कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे, ब्रेक थोड़ी पहले लगानी पड़ती है क्योंकि सामने ज़्यादा गया तो हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ जाएगी, तो ना बाजू में दम नहीं। वापस से आ गए हम अपने डॉक्टर साहब के पास, आज तो यहीं पर है। क्या हाल है डॉक्टर साहब? टायर नहीं घूम रहा है मेरा, फंस रहा है, परसों खोला था ना हमने, कुछ होगा मान दो, फ्रीली नहीं घूम रहा है क्या? ऐसे खींचू यार, अपाहिज बंदे को बोल रहे हैं यार। चल थोड़ा सा उधर से पहले धक्का दे बस, अब नहीं रुक रुक अब दे बस, नहीं ना 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 नहीं होगा यार, नहीं होगा। तो गाइस टायर का काम मैंने कर लिया है, टायर अब ठीक हो चुका है, और अब मुझे थोड़ा सा सामान लाना है बाइक के लिए, वो देखते हैं आगे कहीं पे ढूंढ लूँगा कम्यूट वगैरह के पास, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। ओए ओए ट्रक आ रही है। बस यहाँ पे रुक जा सलमान, यहाँ पे धीरे से, अभी उतनी हिम्मत नहीं आई, ऐसी क्लोज गैप्स ना स्पीड में चला जाऊँ इनके बीच। तो अभी पहले यहाँ कम्यूट भाई साहब के पास, मैंने सुना है काफ़ी कुछ मिलता है, तो देखते हैं। गाइस मैं आया तो था यहाँ पे इंजन क्लीनर, वो वाल्व क्लीनर लाने, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख गया ये जैकेट, तो मेरा मन करे मैं अब जैकेट ले लूँ। अब देखो पहले यार, बड़ा मन करे मैं ये ले लूँ, और सेफ्टी भी है ना इसमें, अंदर काफ़ी प्रोटेक्शन होती है। तो देख लो ये सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, चलो एटलीस्ट घर वाले खुश हो जाएंगे, अपनी प्रोटेक्शन का सोचा है। प्रो राइडर फीलिंग आ रही है गाइस। वो अलग बात है, नूब राइडर बनने के बाद प्रो राइडर फीलिंग आ रही है आज, अब तो अपाहिज हो चुका हूँ। चलो देखते हैं। तो गाइस अभी जैकेट की टेस्टिंग करनी है, बिकॉज टेस्टिंग के बिना तो पता चलेगा नहीं सब सही है या नहीं, अब ज़्यादा तेज़ भगानी पड़ेगी यार, अब कुछ अनहोनी हो ना जाए यार, अभी बाजू में उतना दम नहीं है। तो अब इसकी फिटिंग चेक करनी है हाई स्पीड में, और इसकी वेंटिलेशन वगैरह सब कुछ चेक करनी है, फिर पता चलेगा भाई काम का जैकेट है या बेकार है।
भाई भाई मुझे लगा कोई मेरी मैसेज तो नहीं आ गई, एक बंदा भाग रहा है यहाँ से ही होता है इस हाईवे से। भाई बस 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 और मैं नहीं भगा सकता इस बाजू में, अब इतनी जान नहीं बची, बाजू डेड हो चुकी है। तो भाई अच्छा जैकेट है, काफ़ी मज़ा आया इसमें, फिटिंग वगैरह सब अच्छी है। मेन पर्पस मेरा यही था, मेरे को वेंटिलेशन चेक करनी थी। बिल्कुल भी विंटर में नहीं लेना यार ये जैकेट, थर्मल लाइनर के बिना नहीं लेना। इतनी ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है ना इसमें, पूछो मत यार, विंटर में तो बड़ी ठंड लग जाएगी। थर्मल लाइनर अगर होगा तो आप ले सकते हो विंटर के लिए, बहुत अच्छा जैकेट है और मज़ा आ गया यार। समर के लिए तो बहुत ही बढ़िया जैकेट है, बहुत अच्छी वेंटिलेशन है, बहुत ही बढ़िया। भाई लोग इस राइड पे मेरे को जज नहीं करना, बड़ी मुश्किल से मैंने ये किया है, आप सोच नहीं सकते हो किस तरह मैंने ये किया है यार। जो गैप्स में 140 में लेता था वो आज 110-120 में लेना पड़ता है, क्या करें। ले अभी बाजू ठीक हुई नहीं है पूरी, जैसे जैसे बाजू ठीक हो जाएगी वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती जाएगी। और ये सोचो अभी तो प्लेट की वजह से, अभी जो प्लेट लगा है ना बाजू में उसकी वजह से बाजू काम कर रही है, उठ पा रही है, नहीं तो ये तो उठती भी नहीं, सारा कुछ प्लेट की वजह से चल रहा है अभी तो। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो राइड थी इस पर मेरे को जज नहीं करना भाई, मेरे को पता है ये बेकार सी राइड थी, बोरिंग थी, उतना मज़ा नहीं था इसमें, बट जो मैं कर पाया वो मैंने किया। कभी ठीक होने के बाद अच्छे से 150 वाली गैप्स लेंगे हम फिर से। पहले मैं आपको इसके अंदर का सामान दिखाता हूँ, क्या सिस्टम लगा है इसमें। आज की राइड में ना यार बैंड बज गई, इस बाजू की बैंड बज गई यार। तो चलो देर नहीं करते, जल्दी से पहले आपको ये जैकेट दिखाते हैं। ऐसा ये जैकेट है, मेरे को अच्छा लगा यार, पूरी वेंटिलेशन है पूरी इसकी, अभी आपको दिखाता हूँ। ये इसके चेस्ट गार्ड्स है, इसे बैक का भी है, एल्बो भी है, शोल्डर भी है। एल्बो थोड़ा सा टाइट है, हल्का फुल्का, बट वेट टाइम शायद लूज पड़ जाएगा। जैकेट निकाला भी नहीं जाता यार एक बाजू से, बाजू बैठ चुके। मेरा भी थोड़ा दिमाग ख़राब है, पहले ये तो खोल लूँ। देखो आप अंदर से कैसा है, ये इसका बैक प्रोटेक्टर है, ये इसका चेस्ट प्रोटेक्टर है। पहले मैं आपको ये खोल कर दिखाता हूँ। ये मेरी बैक प्रोटेक्शन है, इसमें लेवल 2 की प्रोटेक्शन इसमें आती है, बहुत अच्छी है। करो अच्छे से, ठीक है ना, पूरे पीछे से बैक में फिट आ जाता है यार। ये इसका शोल्डर प्रोटेक्टर है, चेक करो, पूरा प्रोटेक्शन आती है इसमें, काफ़ी अच्छा है यार। मैं तो सजेस्ट करूँगा सबको ये ज़रूर ज़रूर ये जैकेट लो, कोई भी अपने हिसाब से ले लो, अपनी बजट से ले लो यार, बट एक राइडिंग जैकेट ज़रूरी होना चाहिए। बट अगर मेरे पास राइडिंग जैकेट होता ना जब मेरा एक्सीडेंट होता, फिर भी मेरी बाजू टूटी जाती, बिकॉज यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं होती इसमें, यहाँ पे एल्बो में, बैक में, चेस्ट में होता, बट ह्यूमरस का कुछ होता नहीं है ऐसा, बट स्टिल होना चाहिए, बाकी चीज़ें बच जाती है। या वेंटिलेशन चेक करो इसमें से, वो रहा हमारा क्यूट सा सन, और ये वेंटिलेशन इसकी, काफ़ी हर जगह से वेंटिलेशन है, ये देखो आप, काफ़ी सही है। पीछे से ये ऐसा है, अच्छा है यार, पूरा रिफ्लेक्टर्स है इसमें, इसमें क्लिप भी डालूंगा रात के टाइम में, थोड़ा इसकी रिफ्लेक्टर्स ना, थोड़ा उसका वीडियो बना लेता हूँ, देख लो। तो ये था मेरा राइडिंग जैकेट। तो अगर आपका बजट 5-6 हज़ार के आसपास है ना, तो आई सजेस्ट ये वाला ले लो।
बाईपास में एक आगे पड़ता है कम्यूट, वहाँ से मैंने लिया है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे चेक कर सकते हो, ज़रूरी ले लो, प्रोटेक्शन होती है, जान है तो सब कुछ है मेरे भाई। तो भाई आज का ब्लॉग ख़त्म कर लेते हैं यहीं पर, थक गया है यार, बाजू में अब जान नहीं रहती। दुआ करो जल्दी से ठीक हो जाए तुम्हारा भाई, फिर तो धमाल मचाएंगे कुछ लोग अगर मचाने देंगे, क्योंकि दुश्मन बहुत है कश्मीर में यार बाइकर्स के, लोगों को पता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।